हाय फ्रेंड, वेलकम टू मोबाइल इसी सोल्यूशन। फ्रेंड, मैं काफ़ी दिनों के बाद आया, 5-6 महीने हो गए, मेरे को टाइम नहीं मिला, मैं कुछ काम के लिए बिजी हो गया था। तो फ्रेंड, अभी आप लोगों को हर हफ्ते में 1-2 वीडियो देने की कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड, चलिए आज छोटा सा एक वीडियो देख लेते हैं। और अगर कोई अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो बताइएगा और बुरा भी लगा तो भी बताइएगा। तो फ्रेंड, आज एक छोटा सा वीडियो है और बहुत बड़ा भी बोल सकता है, देखने के लिए छोटा है, लेकिन उसमें बैटरी एरर का ऐसे मैसेज आ रहा है और चार्ज भी नहीं हो रहा है। ऐसे कुछ ही सेकेंड में रखता हो तो मैसेज आ जाता है। तो ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं आज देखने की कोशिश करूँगा हम। तो पहले मोबाइल को डिसम्बलिंग कर लेते हैं। ये देखिए, वो आदमी बैटरी को, कस्टमर बैटरी चेंज किया लगता है, और उसको पहले हम पूरा मोबाइल को डिसम्बलिंग कर लेते हैं। फ्रेंड, मोबाइल को डिसम्बलिंग कर दिया, उसमें कोई काम नहीं किया लगता है, मोबाइल फ्रेश है। तो उसको हम क्या करेंगे, एक छोटा सा रेजिस्टर का माध्यम से उसका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो पहले मल्टीमीटर को आप इधर देखिए फ्रेंड, 20K में रखना है। उसके बाद 10 ओम्स का एक रजिस्टर आपको निकलना है। तो मेरा पास एक C1 का बोर्ड है, उसमें से मैं निकल के दिखाता हूँ आप लोग को, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं। तो मेरे को मिला था एक, हाँ फ्रेंड देखिए, इधर एक रजिस्टर है C1 का मोबाइल में, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। उसको रिमूव करके हमको क्या करना है, जो बैटरी BSI लाइन और ग्राउंड में उसको जम्पर कर देना है। तो चलिए हम करके बताते हैं। फ्रेंड, हम उस रजिस्टर को निकाल दिया, निकालने के बाद भी एक बार उसको चेक करके देखते हैं हमारा जो रीडिंग 10K वो आ रहा है या कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। ये देखिए फ्रेंड, हमारा बराबर आ रहा है। तो उसको अभी करना क्या है, जो हमारा इधर BSI लाइन है बीच का, उधर एक सिरा उसका सोल्डिंग कर देंगे, दूसरा एक सिरा इधर से हम एक वायर का माध्यम से जम्पर कर देंगे। तो चलिए करके दिखाते हैं आप लोग को। दूसरा एक वायर लेंगे, वायर के मदद से हम उसको जम्पर कर देंगे। वायर का दोनों साइड का थोड़ा सोल्डिंग कर देना है। मैंने सोल्डिंग कर दिया, उसके बाद हमको मैं जम्पर करके बताता हूँ। छोटा जगह फ्रेंड दिखाने के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है।
तो फ्रेंड मैं कुछ इस तरह से किया, जो रेसिस्टर रिएक्टेंट के उसका एक सिरा में ये बीएसआई लाइन पे मैं कनेक्शन कर दिया। ये आप शायद देख सकते हैं छोटा सा, और दूसरा एक साइड से एक जम्पर लगे मैं ग्राउंड में कर दिया। तो अभी देखते हैं हमारा जो प्रॉब्लम है बैटरी एरर का, वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं। सो फ्रेंड मैं चार्जिंग कनेक्शन दे देता हूँ, ये चार्जिंग शुरू हो गया। देखते हैं अभी कुछ टाइम में जो हमारा प्रॉब्लम है प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं। और फ्रेंड अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में उसको शेयर कर दीजिएगा फेसबुक व्हाट्सएप में, और अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा, वो आपका हक बनता है फ्रेंड। लगता है कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, नहीं तो इतना टाइम में मैसेज आ जाता था। फिर भी और थोड़ा टाइम वेट करके देखते हैं, अगर फिर भी मैसेज नहीं आया तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मेरे को तो मालूम है सॉल्व हो गया, फिर भी आप लोग को बताने के लिए मैं और थोड़ा टाइम रुक के दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए फ्रेंड कोई मैसेज कोई कुछ नहीं आ रहा है, हमारा प्रॉब्लम जो 100% सॉल्व हो गया। तो फ्रेंड आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।